that is the look you all वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अपने आप को खुश एंड हेल्दी रख रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट के बारे में बात, यानी कि मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ 5 प्रोडक्ट मेकअप के ऐसे शेयर करूंगी जो आप लोगों के पास इन्हों होने ही चाहिए। ये ऐसे प्रोडक्ट है जो चीप में भी आते हैं एंड हाई एंड में भी आते हैं। लाइक आपको ये ना यू नो आपके पॉकेट मनी के अंडर आराम से आप इसे खरीद सकते हो। ये ऐसे प्रोडक्ट है, ये लॉन्ग टर्म भी चलेंगे प्लस आपको अच्छा कवरेज भी देंगे। सो अगर आप जानना चाहते हो कि कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। एंड आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हो तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड बाजू में छोटा सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको बड़ा सा नोटिफिकेशन आ जाए। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स जस्ट स्टार्टेड। सो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है ना, ये मैं बहुत बार यूज कर चुकी हूँ एंड आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा प्रोडक्ट है एंड बहुत लोगों ने अजम्पशन भी लगा लिया होगा ये कौन सा प्रोडक्ट है। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इस फाउंडेशन की जो कि है लैक्मे 9 to 5 फाउंडेशन। सो ये जो फाउंडेशन है ना बहुत अच्छा है, ये प्राइम प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन है। सो ये ना मैंने फिलहाल कुछ 6 महीने पहले इसे परचेज किया था नायका सेल में। सो मैंने सोचा लेट जस्ट गिव अ ट्राई ये कैसा फाउंडेशन है। मैंने इसके बारे में काफ़ी सुना था बट यू नो लैक्मे का एक और पहले जो आई थिंक कुछ 120 या 150 में आता था वो मैंने बहुत बहुत टाइम पहले लाइक मैं जब मेकअप भी नहीं करती थी ना तभी मैंने यूज़ किया था, तो उसका कवरेज मुझे उतना खास नहीं लगा था तो इसलिए मैंने इसे कभी परचेज नहीं किया। सो मैंने सोचा चलो देखते हैं। एंड इसका प्राइस सिर्फ मुझे 349 रुपीज में ये मिला था। इसका शेड नंबर है N220 न्यूट्रल मीडियम। सो ये मेरे शेड को परफेक्टली मैच करता है एंड फिलहाल मैंने यही वाला जो फाउंडेशन है वो पहना हुआ है अपने स्किन के ऊपर। इसे आप थोड़ा अप्लाई करोगे ना तो भी ये बहुत अच्छा कवरेज देगा एंड आप इसे थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में अप्लाई करते हो ये आपके HD मेकअप के लिए परफेक्ट बेस बना देता है। इसका जो एप्लीकेशन है ना बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही अच्छा है, आपके ओवरऑल फेस को ना बहुत अच्छे से कवर कर लेता है। प्लस अगर आप इसे आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप इसे एज अ कंसीलर भी अप्लाई कर सकते हो। लाइक अपना फाउंडेशन अप्लाई कर लो एंड देन उसके बाद इसको डबल कोट अप्लाई कर लो अपने अंडर आई पे या फाउंडेशन को सूखने के बाद। इसका हैक ना मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आपको मैं लिंक सजेशन बॉक्स में शेयर करूंगी, अगर आप देखना चाहते हो वीडियो तो आप देख सकते हो। सो वैसा भी आप करके अपना जो कंसीलर का पैसा है वो बचा सकते हो। अगर आप आपको इतना मेकअप करना पसंद नहीं है, आप कम से कम प्रोडक्ट में काम करना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ फाउंडेशन खरीद सकते हो एंड इससे ही कंसीलर का भी काम चला सकते हो अगर आपको अंडर आई में ज़्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो। बट ये बहुत अच्छा कवर करता है एंड ये मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है यूज़ करना है। मैं खास करके आजकल तो इसे ही यूज़ कर रही हूँ, पता नहीं क्यों जब भी मैं मेकअप किट में हाथ डालती हूँ तो यही मेरे हाथ में आता है, मैं इसे ही यूज़ कर लेती हूँ। आई नो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सेम प्रोडक्ट बार बार यूज़ हो रहे हैं, बट दैट्स फाइन यार, आपको जिस चीज़ के साथ वर्क करना अच्छा लगता है आप उस चीज़ के साथ ही वर्क करो, राइट? फुकट में पैसे तो आते नहीं है कि आप नई चीज़ें खरीदो एंड देन उसे अप्लाई करो एवरीडे न्यू, ऐसा नहीं होता। सो आपको ट्राई करना है तो यू कैन ट्राई अदर प्रोडक्ट, बट जो आपको पसंद है स्पेशली आप उसके साथ ही वर्क करोगे ऑफकोर्स। सो ये मेरा करंट फेवरेट फाउंडेशन है, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद मुझे शुगर के भी फाउंडेशन बहुत अच्छे लगते हैं बट वो ना बहुत लिक्विडी है, मैं जब भी उसे यूज़ कर देना तो मेरे ड्रेस पे गिर जाता है। सो दैट उसे मैं ज़्यादा यूज़ करना प्रीफर नहीं करती, बट या उसका भी कवरेज बहुत अच्छा है। बट अगर आप चीप वाइज जाओगे कम प्राइस में तो ये बहुत अच्छा एंड बेस्ट फाउंडेशन है ऐसे मुझे नहीं लगता। इसके रेंज में कंपेयर करते हो आपको कोई भी फाउंडेशन इससे अच्छा मिल पाएगा। सो ये था फर्स्ट प्रोडक्ट। सो जो सेकंड प्रोडक्ट है एंड ये मैं यहाँ पे ना फाउंडेशन कंसीलर वाइज जा रही हूँ, मतलब जैसे जैसे हम मेकअप का स्टेप्स फॉलो करते हैं ना वैसे वैसे मैं जा रही हूँ। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है शुगर कॉस्मेटिक्स का कंसीलर। सो ये कंसीलर जो है ना ये वाटरप्रूफ है। आई गेस ये जो फाउंडेशन था वो भी वाटरप्रूफ था, आई डोंट नो, मे बी इट्स वाटरप्रूफ, क्योंकि इसे लगाने के बाद जब भी मैंने फेस वॉश किया है तभी भी ऐसे पाउडर की फॉर्म में इसने निकाला नहीं है मेरे फेस पे, अच्छे से स्टिक होके रहा है। तो हम बात कर रहे थे इस कंसीलर की। ये जो कंसीलर है ना ये वाटरप्रूफ है, इसका प्लस पॉइंट ये है। एंड सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे स्किन के साथ ये बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से मैच होता है। इसका शेड जो है ना वो है 40 ब्रेव।
सो इसका भी मुझे जो एप्लीकेशन है ना, इसको भी मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ. लाइक मैं पहले मेबलिन का यूज़ करती थी, अब मैं मेकअप रेवोल्यूशन या फिर इसे यूज़ करती हूँ, बट मैं कंपैरेटिवली इसे ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि इसका एप्लीकेशन वगैरह कवरेज जो है वो बहुत ही अच्छा है. लाइक आप अगर फाउंडेशन नहीं अप्लाई करना चाहते हो, जस्ट कंसीलर के साथ अपना ओवरऑल फेस का मेकअप करना चाहते हो, तो ये बेस्ट रहेगा आपके लिए. ये कुछ 799 में मिलेगा आपको शुगर कॉस्मेटिक के वेबसाइट पर. एंड अगर आपको कभी ऐसे यू नो ऑफर वगैरह मिल गया तो शायद 600 या 500 में भी मिल सकता है, बट मैंने इसे जितने बार भी चेक किया ये मुझे 799 का ही मिला था. सो इट इज़ नॉट दैट मच यू नो एक्सपेंसिव, सो आजकल इसे कोई भी परचेस कर सकता है. 799 इज़ नॉट दैट मच. सो आप देख भी सकते हो इसको मैंने काफ़ी हद तक यू नो ख़त्म भी कर दिया है इस एरिया में. हाँ, यहाँ से विजिबल है, काफ़ी हद तक मैंने इसे ख़त्म भी कर दिया है. सो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना कि आप कंसीलर एंड फाउंडेशन कैसे चूज करें ऑनलाइन स्पेशली, तो ना लाइक कैसा होता है, अगर आपका स्किन टोन ना 3 या 4 रेंजेस में डिवाइड होता है, लाइक मीडियम, डार्क, अंडरटोन एंड फेयर में. सो यहाँ पे फेयर में भी ना काफ़ी वेराइटीज़ आते हैं. लाइक फेयर में भी ना कुछ लोग पिंकिश फेयर होते हैं, कुछ व्हीटिश फेयर होते हैं, लाइक ब्राउन वाले टाइप के फेयर होते हैं, येलोइश फेयर आप बोल सकते हो. सो वैसा होता है. सो अगर आप मेरे स्किन टोन में हो ना, तो आप अंडरटोन वाला कोई भी यू नो फाउंडेशन परचेस करो. सो एक शेड लाइट गया भी ना तो भी वो ऑक्सीडाइज हो जाता है आपके फेस पे, वो मैच हो जाता है अच्छे से. लाइक कोई भी फाउंडेशन अगर आप एक शेड लाइट चले गए तो वो अप्लाई करने के बाद पूरा जब मेकअप आपका ओवरऑल हो जाता है ना, तो वो बिल्कुल भी पता नहीं चलता है. तो आप उस हिसाब से अगर ऑनलाइन परचेस करना चाहते हो तो कर सकते हो. एंड कंसीलर अपने फाउंडेशन के शेड से ना एक शेड लाइटर खरीदे कभी भी, सो दैट यू नो, क्योंकि आपका अंडर आई जो एरिया होता है ना वो थोड़ा डार्क होता है कंपेयर टू आपके स्किन टोन से. सो आप जब अंडर आई एरिया कवर करते हो ना, सो उसे ब्राइटन करना होता है आपको कंपेयर टू योर नॉर्मल स्किन. सो इसलिए आपको एक शेड डार्क लाइट खरीदना है कंसीलर का. नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है ना वो कॉन्टोर एंड पाउडर दोनों शेड अवेलेबल होते हैं उस प्रोडक्ट में. सो बहुत लोगों को पता चल गया होगा. सो यस, मैं यहाँ पे वेट एंड वेल्ड के कॉन्टोर पैलेट की बात कर रही हूँ. सो ये वन ऑफ द बेस्ट पैलेट है एल से, क्योंकि इसमें बनाना शेड भी आता है एंड कॉन्टोर शेड भी आता है. सो अलग अलग प्रोडक्ट के पीछे आपको पैसे क्यों वेस्ट करने हैं यार, जब आपको एक ही प्रोडक्ट में एक ही पैलेट में दो दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं. तो यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो बनाना शेड है ऑलरेडी काफ़ी हद तक यू नो ख़त्म कर दिया है, एंड कॉन्टोर वाला शेड है वो अभी हालांकि पूरा ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि मैं कॉन्टोर में क्रीम भी यूज़ करती हूँ, पाउडर भी यूज़ करती हूँ. ज़्यादा करके मैं कॉन्टोर पहले नहीं करती थी, अब मैंने ज़्यादा करना स्टार्ट किया है. सो उस हिसाब से ये है. एंड कॉन्टोर वाला एरिया ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता, क्योंकि बहुत हल्के हाथों से आपको अप्लाई करना रहता है. ज़्यादा डार्क कॉन्टोर मुझे तो नहीं अच्छा लगता, बट आपको यूज़ करना है तो आप कर सकते हो डार्क कॉन्टोर. बट ये काफ़ी एरिया ज़्यादा यूज़ नहीं होता है ये वाला एरिया, तो ऑफकोर्स आपको अंडर आई भी बेक करना है, प्लस आपको पूरा फेस भी सेट करना है, तो कंपेयर टू दिस ये ज़्यादा ख़त्म होता है. एनीवेज, अगर बात करें इसके कवर की एंड पिगमेंटेशन की, सो इसका कवरेज बहुत अच्छा है. लाइक मैं इसे बहुत टाइम तक यूज़ करके अब मैंने स्विच किया है शुगर कॉस्मेटिक्स के लूज पाउडर्स पे. सो यहाँ पे मेरा जो फेवरेट है ना, ये ऑल टाइम फेवरेट रहा है हमेशा से, जब से मैंने इसे परचेस किया है. गाइस, मैंने इसे 1.5 साल पहले परचेस किया था. सो तब से ये ना मेरा बहुत ज़्यादा ही फेवरेट रहा है. कुछ भी नहीं समझ में आता है तो मैं इसे जस्ट यू नो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हैंडी है. लाइक आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको बहुत सारी प्रोडक्ट यू लेके नहीं जाना है, लाइक आपको अलग अलग चीज़ें नहीं लेके जाना, तो फर्स्ट तो ये है. आप इसे एज अ आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो. अगर आपको ब्राउन काइंड ऑफ मेकअप करना है तो इसका यूज़ करके आप यू नो ब्राउन मेकअप भी कर सकते हो. एंड आपको अपने ओवरऑल चिक्स पे अप्लाई करके एज अ ब्लश भी अप्लाई कर सकते हो. जैसे जैसे सन किस वाला लुक आपको चाहिए, तो आप इसे ओवरऑल ब्लश पे एंड थोड़ा सा नोज पे अप्लाई करके सन किस भी लुक अचीव कर सकते हो. सो अगर ओवरऑल देखा जाए ना, तो ये काफ़ी काम का पैलेट है. ये ट्रैवल फ्रेंडली भी है, एक में ही आपका दोनों में काम हो जाता है. बहुत पतला होने के कारण ये कहीं पे भी ऐसे फिट हो जाता है किसी भी बैग में. सो यार, इसमें आई गेस ना 3 या 4 शेड्स अवेलेबल होंगे अलग अलग डार्क लाइट वाले कॉम्बिनेशन में. सो ये वाला जो शेड है ना, ये मुझे परफेक्टली मैच होता है. एंड ये मेरे हिसाब से जो कॉन्टोर का शेड मुझे आया है वो भी काफ़ी अच्छा है. लाइक ना ही ज़्यादा डार्क है ना ही ज़्यादा लाइट है. लाइक मुझे डार्क कॉन्टोरिंग पसंद नहीं है, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है. सो ये था थर्ड प्रोडक्ट. सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मस्कारा, विच इज़ फ्रॉम लॉरियल वॉल्यूमिनस लैश पैराडाइज वाटरप्रूफ प्लस हाइड्रोफज मस्कारा. आई डोंट नो इसका नाम इतना बड़ा क्यों है, बट या दिस इज अ यू नो वेरी 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 नाइस मस्कारा आई विल से, क्योंकि
हाँ इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है शेयर यू इन द लास्ट, बट ये बहुत अच्छा मस्कारा है, आपके आईलैश को इतनी अच्छे से कोट कर देता है. लाइक राइट नाउ आई एम वेयरिंग दिस मस्कारा ओनली, सो ये एक कोट में ही ना काफ़ी थिक एंड काफ़ी वॉल्यूमिनस कर देता है आपके आई लैशेज को. इसका जो प्राइस है ना, आई गेस कुछ 700 में था शायद से, आई डोंट नो. मैं आपको लिंक ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी. आई डोंट रिमेम्बर मैंने इसे कितने में परचेस किया था, क्योंकि मैंने इसे ना सेल में परचेस किया था. सो यस, ब्यूटी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो वो सारे प्रोडक्ट है ना ट्राई करते हैं कि उनको सेल में सस्ता मिले. कौन नहीं चाहता सेल में खरीदना प्रोडक्ट्स, यू नो सस्ते मिलते यार, नॉर्मल रेट से 100, 150, 200 तो बच जाते हैं एटलीस्ट. सो यार मुझे इसलिए याद नहीं है इसका जो प्राइस था, फिर भी मैं सारे के जो प्राइस है ना ओरिजिनल आपको कॉर्नर में अप्लाई कर दूंगी, आई मीन प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो. सो ये ना आपको मैं ओपन करके दिखाती हूँ. ये जो है ना देख सकते हो आप, इसके जो ब्रिस्टल है कितने अच्छे हैं एंड थिक है. लाइक यहाँ पे पतला है एंड देन बीच में से ना थोड़ा सा कर्व है, देन अगेन लास्ट में जाके ना थोड़ा मोटा है. सो ये एप्लीकेशन में बहुत हेल्पफुल है. सो स्टार्टिंग से लेके अब तक मैंने जितने भी मस्कारा यूज़ किया है ना, उनमें से मुझे अगर रैंक करने बोला जाए ना तो मैं इससे ही रैंक करूँगी सबसे नंबर वन पे. मैंने जो फर्स्ट मस्कारा परचेस किया था कॉलेज में, वो येल्लो वाला मेबेलिन का जो मस्कारा है ना वो, सो वो भी मस्कारा बहुत अच्छा है. मैं मतलब ऐसा कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, सारे मस्कारे अपने अपने जगह पे बहुत सही है, बट उसे ना मैंने कुछ तो 4 या 5 साल मतलब यूज़ किया है, वो ख़त्म हो जाता था, मैं इसे रिपर्चेस करती थी, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था. उसके बाद ना मैंने वो ब्लैक एंड पर्पल काइंड ऑफ का जो है ना हाइपर कर्ल समथिंग मेबेलिन का, वो यूज़ किया मैंने. देन वेट एंड वाइल्ड का यूज़ किया, जो कि मैं अभी भी यूज़ करती हूँ. एंड देन मैंने इसे हाल ही में 1.5 या 2 महीने पहले परचेस किया है. सो सब में से मुझे रैंक करने बोले ना तो मैं इसे नंबर 1 दूंगी. बट इसका ड्रॉबैक ये है कि आप इसे अप्लाई करने के बाद जब इसे रिमूव करते हो ना तो ये जल्दी नहीं निकलता है यार, आई डोंट नो वाई. सो मे बी इसका जो फॉर्मूला है जिसकी वजह से ये थिक हो जाता है वॉल्यूम, आई मीन आपके लैशेस थिक होके वॉल्यूमनाइज दिखते हैं, लंबे दिखते हैं, शायद उसके वजह से ये जल्दी निकलता नहीं है. इसका फॉर्मूला कुछ अलग है, बट बहुत ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है इसे निकालने के लिए. सो जब भी मुझे बाहर जाना होता है ना, लाइक या फिर मुझे बहुत अच्छा सा लुक करना रहता है जिसमें मैंने आईज़ को हैवी नहीं दिखाया है, मुझे यू नो सिंपल सा आई रखना है एंड आई लैशेस अप्लाई करके ऐसे दिखाना है, तो मैं उसमें ये अप्लाई कर लेती हूँ. सो बहुत अच्छा लैशेस है, बट इसके भी निकालने के ट्रिक है. लाइक जल्दी नहीं निकलता तो आप क्या कर सकते हो, यू नो कोई भी चीज़ अगर आपके मेकअप में कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा यू नो मेहनत करके निकालनी पड़ती है ना, उसको आप क्या करो, मैसेलर वाटर मत यूज़ करो, नारियल ऑयल ले लो, जो भी आपके पास ऑयल है ना नारियल वाला या नॉर्मल कोई भी ऑयल है ना, उसे लेके अपने फेस के जिस एरिया पे भी जो प्रोडक्ट नहीं निकल रहा उसे अप्लाई करके थोड़ा 5 मिनट या 2-3 मिनट के लिए छोड़ दो एंड देन उसे वाइप कर लो, तो बहुत ईजिली निकल जाता है. सो मैं वही करती हूँ एंड ये बहुत ईजिली निकल जाता है. सो इसलिए वो ज़्यादा यू नो मेरे को मेहनत वाला काम नहीं लगता है, तो फटक से हो जाता है. लाइक मैं लगा देती हूँ, देन कुछ काम करने लगती हूँ, देन आके वापस से रिमूव कर लेती हूँ, सो फटक से निकल जाता. सो दिस इज़ माई वन ऑफ फेवरेट मस्कारा राइट नाउ. आगे देखते हैं, मे बी ये चेंज हो सकता है. सो जो लास्ट प्रोडक्ट है ना वो है लिपस्टिक. सो ये है वो लिपस्टिक विच इज अ बेला वोस्टा. सो इसके ना मेरे पास 2 शेड है. लाइक एक शेड है 08 लिविंग द लाइफ एंड जो दूसरा शेड है ना वो न्यूट शेड है उसका, सॉरी ये वाला न्यूट शेड है एंड जो दूसरा वाला है ना वो मैजेंटा पिंक कलर का शेड है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है. वो वाला भी लाइक वेयर करने के बाद यू नो ऐसा लगता है येस दैट इज़ द लुक, यू नो वो बहुत अच्छा लुक देता है. जब भी नॉर्मल से हैवी मेकअप वो सारे मेकअप के साथ वो वाला शेड जाता है, तो उसका नेम है ना ट्रूली मैडली इन लव करके उसका नाम है उस शेड का, मुझे याद है क्योंकि वो शेड मुझे बहुत अच्छा लगता है. सो ये वाला जो लिपस्टिक है ना मुझे बहुत पसंद है. इसके प्राइस की बात करें सो आपको ना ये 100 to 120 के अंदर मिल जाएगा. मैंने इसे जस्ट 72 रुपीज़ में परचेस किया था, मुझे अभी भी याद है क्योंकि मैंने इसके प्राइस की वजह से ही मैंने इसे परचेस किया था. ऑफकोर्स सस्ती चीज़ें कौन नहीं खरीदेगा, सो मैंने इसके प्राइस की वजह से ही मैंने इसे परचेस किया था.
क्योंकि बेला वोस्टा हाल ही में लॉन्च हुआ था पर्पल पे. सो आई थॉट बहुत सारे इन्फ्लुएंसर यू नो वीडियोज़ भी बना रहे थे बेला वोस्टा. सो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए. पर्पल पे यू नो आई लव पर्पल करके सेल चल रही थी तो मैंने सोचा चलो खरीद ही लेते हैं. तो मैंने इसे एंड इसके साथ एक और शेड खरीदा. एंड मैंने दो शेड इसलिए खरीदा क्योंकि उसके ऊपर भी बाय वन गेट वन फ्री का ऑफर चालू था. तो अगर बाय वन गेट वन के ऑफर के ऊपर आप खरीदते हो ना तो आपको सेल वाले प्राइस में नहीं मिलता. इसका जो ओरिजिनल प्राइस है ना उस पर दो लिपस्टिक मिलती है, बस एक का प्राइस आपको पे करना पड़ता है. एनीवेज दैट इज़ नॉट आर टॉपिक. सो ये शेड ना बहुत अच्छा है. इसका जो शेड है मैं आपको दिखाती हूँ. सो आप देखो इसका शेड बहुत अच्छा है. लाइक ये मैट नहीं है, ये सेमी मैट है. लगाने के टाइम पे ये ना थोड़ा क्रीमी होता है बट ये सूख के ना सेमी मैट हो जाता है. सो ये बहुत अच्छा शेड है. लाइक आप ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर एक स्किन टोन के साथ जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ना ये हर एक स्किन टोन के साथ जाता है. लाइक फेयर डार्क एवरी स्किन टोन एंड मेकअप बिना मेकअप सारे टोन के साथ जाता है. लाइक मैंने मेकअप नहीं किया, मैं जस्ट यू नो जब मैं मैरिड हूँ सो मॉर्निंग में जब मैं बाथिंग वगैरह करती हूँ तो मैं लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करती हूँ. सो मैं इसे अप्लाई कर लेती हूँ. सो ये बिना मेकअप के भी बहुत अच्छा लगता है मेरे फेस के ऊपर. एंड यू नो बोले ना एक अलग सा लिपस्टिक लगाने के बाद स्किन फेस का जो ग्लो है चेंज हो जाता है, वह वैसा ही लुक देता है ये वाला लिपस्टिक. सो इसका शेड ना कुछ इस तरह से है जो कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुकी हूँ, फिर भी आप एक बार नज़दीक से देख लीजिए. सो ये न्यूड पिंक शेड है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है. इसका जो दूसरा शेड है वो भी बहुत बहुत अच्छा है. सो अगर आपको ट्राई करना है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो. अब ये 72 रुपीज़ में आई डोंट थिंक सो मिलेगा आपको, ज़्यादा से ज़्यादा 90 या 100 में मिल जाएगा. वैसे तो पर्पल पे ऑलवेज कुछ ना कुछ रह के ऑफर रहता ही रहता है. हर एक प्रोडक्ट पे 10 रुपये 20 रुपये कम रहता ही है. सो अगर आपको परचेस करना है तो आप जाके परचेस कर सकते हो. लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो आई शेडो नहीं है तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बोला कि ये वाला जो शेड है आप इसे एज अ आई शेडो अप्लाई कर सकते हो. जो कॉन्टोर वाला शेड है ये ब्राउन टोन के साथ ये चला जाएगा. मतलब ब्राउन अगर आपको न्यूड मेकअप करना है ब्राउन वाला तो आप कर सकते हो, अदरवाइज लिपस्टिक तो है ही. सो ये लिपस्टिक जो है ना मैं कलर वाइज नहीं बात कर रही हूँ, इसके प्राइस एंड इसका जो टेक्सचर वगैरह उस वाइज बात कर रही थी. सो इसमें आप कोई भी कलर परचेस कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी आपको पसंद है. सो अगर आप ये कलर तो ऑलरेडी मेरा फेवरेट है, आप ये कलर परचेस करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो. इसका शेड नंबर जो है मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, 08 लिविंग द लाइफ. सो इसे भी आप अपने आई शेडो एज अ आई शेडो अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये इतना डार्क कलर है कि आपके आई शेडो के लिए ये अच्छी तरह से यू नो पॉप आउट होके दिखे. सो ये थे सारे 5 प्रोडक्ट. आई होप आपको ये सारे जो प्रोडक्ट है वो हेल्पफुल रहेंगे इन फ्यूचर अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट खरीदने हैं. तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आते हो तो आप इसे डेफिनेटली परचेस करें. आई फील ग्लैड कि मेरे जो रिव्यू है आप लोगों को हेल्पफुल लगे. सो ये थे सारे 5 मस्ट हैव प्रोडक्ट फ्रॉम माय एंड क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है. सो अगर आपको भी ये प्रोडक्ट्स पसंद है एंड आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करना. एंड अगर आप मेरे चैनल पे अभी भी नए हैं तो मेक श्योर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है एंड बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दिया है ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए. सो मैं मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड कीप सपोर्टिंग.